हेलो गाइस, आपने बाजार का देसी घी तो बहुत खाया होगा, लेकिन मैं आज बता रही हूँ आपको मैं अपने घर का देसी घी कैसे निकालती हूँ। मैं इतना घी निकाल लेती हूँ कि वो मेरा पूरे मंथ आराम से चला जाता है, वो सफिशियंट होता है। हमारे घर में 2 किलो दूध आता है और 2 किलो दूध में से एक दिन में कम से कम 100 ग्राम मलाई निकलती है। 100 ग्राम मलाई में से करीब 70-80 ग्राम घी निकल जाता है। उसको मैं 15 दिन मतलब कि क्रीम जोड़ती हूँ। जोड़ने के बाद मैं उसको जब उसमें से घी निकालती हूँ, कम से कम मेरा आधे किलो या 3 पा के करीब आराम से घी निकल जाता है। मतलब महीने में 1.5 किलो से ज़्यादा मेरा घी निकल जाता है, तो मेरा उसमें काम चल जाता है। सरसों का तेल ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए जो चावल या ऐसी चीज़ें होती हैं तार वाली, तो मैं उसको घी में बनाती हूँ। देसी घी के अंदर मैं डालडा घी इस्तेमाल नहीं करती, उसको मैं देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर में देसी घी बनाती हूँ। ये मेरी मलाई है जो मैंने इसको 15 दिन से जोड़ा हुआ है। अगर मैं मलाई को ढककर रख देती हूँ ना, तो इसमें से जो दूध वगैरह रहता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। मैं इस मलाई को फ्रिज के अंदर निकाल कर और इस तरह से ही रख देती हूँ, तो ऊपर से जो ना ये खुशक होता रहता है हैंड टू हैंड। ये मेरी 15 दिन की मलाई है जो मैंने इसमें से मुझे घी निकालना है। इसको हम किसी बर्तन में, बड़े से बर्तन में इस तरह से निकाल लेते हैं। ये मेरी एक डिश और एक पूरा डब्बा भर के मलाई जुड़ जाती है 15 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें से कम 1 किलो से थोड़ा बहुत ही कम घी निकलेगा। तो मैंने अपने भगोने में ये सारी मलाई पलट दी है, एक डिब्बा भर के और एक डिश भर के मैंने मलाई जोड़ ली थी 15 दिन के अंदर अंदर। कि बहुत सी लेडीज़ तो इस तरह से मलाई निकालती हैं, और काफ़ी सारी लेडीज़ हैं कि इस मलाई को मिक्सी के जग में पलट कर और मिक्सी घुमा देती हैं, उसमें भी काफ़ी ईजीली मलाई निकल जाती है। 2-4 राउंड में ही मतलब कि मलाई निकल जाती है। अब मैंने भी सारी मलाई को इसमें पलट लिया है भगोने में, और मैंने थोड़ा सा इसको करीब 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। अब हम इसको जो है जग में पलट लेंगे, मिक्सी के जग में। ये बहुत जल्दी से फिट जाती है और इसमें से घी भी जल्दी से निकलेगा। ये देखिए काफी गाढ़ी हो चुकी है। दूसरे बर्तन में पलट देती हूँ। ऐसे ही मुझे सारी मलाई निकालनी है। अब मैंने अपनी मिक्सी के जग में से सारी मलाई इसमें पलट दी है अपनी कढ़ाई में, और मैं इसको करीब 5 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी। अब चलाते चलाते ये हमारी काफ़ी टाइट होने लगी। ये घी निकालने का बहुत आसान तरीका है। काफ़ी सारी लेडीज़ अब ऐसे ही चलाते चलाते इसको गाढ़ा करती हैं और ऐसे ही मलाई निकल जाती है, लेकिन ये काम झटपट हो जाता है मिक्सी के द्वारा। अब ये हमारी काफी टाइट होने लगी है मलाई, देखिए। हमारा इसका मक्खन बनेगा और मक्खन को पिघला कर ही मेरा देसी घी तैयार होगा। अब जैसे ही ये टाइट होगा, इसमें से दूध थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो खराब दूध हो जाता है जुड़ते जुड़ते वो अलग हो जाएगा, और इसमें से मक्खन अलग हो जाएगा। तो मेरे मक्खन को ही पिघलाकर मुझे देसी घी बनाना है। ये मेरी मलाई से अब दूध अलग होता जा रहा है और ये मक्खन वगैरह अलग होता जा रहा है। मक्खन के ये लड्डू से बन जाते हैं। अब मुझे इनको हाथ से करना चाहिए। अब हम इनको इस तरह से अच्छे से बीच बीच कर इसका दूध निकाल देते हैं, और इनको मक्खन को ये लोनी भी बोलते हैं इसे, इसको अलग रख देते हैं।
कभी कभी हमें बहुत परेशानी होती है कि ये दूध अलग नहीं हो पाता, और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है ना, इसलिए निकल नहीं पाता। तो इसलिए इसमें जो है ना थोड़ा आइस क्यूब हम डालेंगे ना, तो इस ये आइस क्यूब की वजह से ये टाइट होने लगता है तो आसानी से निकल जाता है। अगर आपको कोई परेशानी हो इसको निकालने में या इसका दूध अलग ना होए, तो थोड़े से आइस क्यूब के इसमें टुकड़े डालकर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जितना अच्छे से हमारा इसमें से दूध अलग हो जाएगा उतनी जल्दी हमारा घी बनेगा, क्योंकि अगर इसमें दूध काफ़ी रह जाता है ना तो घी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अब ये सारी मेरी लोनी है, मैं इसको इसमें कढ़ाई में पलट देती हूँ और अब मैं इंडक्शन को ऑन करूँगी। मुझे चलाना है अगर ये 800 पर कि अच्छे से पहले पिघल जाएगा फिर मैं इसको सिम कर दूँगी। ये देखिए 2-3 मिनट में ही मेरा मक्खन पूरा माइल्ड हो चुका है और घी बनने लगा है। जितने अच्छे से हमारा इसमें से दूध निकल जाता है ना, उतनी अच्छी तरह और जल्दी से ही हमारा घी निकल जाता है। इसको मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी, 2-3 मिनट के बाद ये हमारा घी तैयार हो जाएगा। ये मेरे इसमें ये दाने दाने नज़र आ रहे हैं, यानी कि हमारा घी बिल्कुल इससे अलग हो चुका है। ये हमारा दानेदार जो है ये हमारा मावा बन जाता है। जब हमारा ये घी बनने वाला होता है तो मैं इसे सिम कर देती हूँ कि ताकि ये जले नहीं। वैसे मैंने काफ़ी मोटी कढ़ाई ली है, इसका तला वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर हम स्टील का या कोई हल्का बर्तन लेते हैं ना, घी निकालते समय ज़्यादातर तला लग जाता है, तो इसलिए मैं भारी से भारी बर्तन लेती हूँ कि ताकि उसका तला ना लगे। ये देखिए हमारा घी बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं अपना इंडक्शन बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तो मैं इसको छन्नी में पलटकर इस्तेमाल में लाऊंगी। ये मैंने अपने देसी घी को छन्नी में छानकर फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। देखिए ये है हमारा असली आंखों देखा घी, जिसको खाने का भी मन करेगा। बाजार के घी का तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।